पहले तो मुझे आप ये बताओ, क्या आगे मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ सिखाया था कि कोई ऐसा मैंने ट्रायंगल आपको समझाया था कि यहां पे ये 3 है, यहां पे 4 है और यहां पे क्या है 5। हाँ, ये ट्रिपलेट हमने की थी कि नहीं की थी? हाँ सर, किया है। ओके, 3 के सामने मैंने कित कौन सा एंगल लिखवाया था? 53 के साथ 37 डिग्री, 37, और 4 के सामने एम आई राइट 54, 53। 53 अगर ये 50 है और ये 37 है तो ये क्या होगा, 90 होगा कि नहीं होगा? ओके होगा सर। चलो, इसके ऊपर से मैंने कुछ चीजें आपको लिखवाई थी। बोलो कॉस 53 क्या होता है? कॉस 53 क्या होता है? 3/5। चलो साइन 53 क्या होगा? 4/5। सिमिलरली कॉस 53 3/5, साइन 53 4/5। बोलो कॉस 37 क्या होगा? 4/5। और साइन 37 3/5, साइन 37 ये आपको पता है। अब मान लो कि मुझे एक ब्लॉक दिया गया, एक सरफेस है, उसके ऊपर मुझे एक ऐसा ब्लॉक दिया गया। सब कहानी आपको पता है कि नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, सब कहानी आपको पता है। मान लो कि यहां पे इस जगह पे एक फोर्स मैंने अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया मैंने? फोर्स। क्या फोर्स मैंने होरिजोनटल अप्लाई किया? नो, मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है, सपोज कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है, वो फोर्स होरिजोनटल के साथ मान लो कि 37 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? 37 डिग्री। और ये 10 है, ये 37, तो सपोज कि ये 5 केजी का ब्लॉक है। कितने केजी का ब्लॉक है? 5 केजी का। और आपको ऐसा बोला गया कि फाइंड एक्सेलरेशन ए विच इज जनरेटेड इन अ ब्लॉक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, मुझे क्या बोला गया? एक्सेलरेशन क्या है लग रहा है ब्लॉक पे, वो ढूंढो आप। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम, आप लोगों ने शायद एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं एफबीडी। क्या बोलते हैं जिसको हम? मतलब हमने ये सब कुछ किया ही है। एफबीडी मतलब क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या? हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को, जितने भी ब्लॉक पे फोर्सेस लग रहे हैं, ब्लॉक को एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट समझ के जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस को डिरेक्शन वाइज बता के हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, वो है फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां पे समझ, अगर तू अच्छी तरीके से देख इसको, बहुत ही स्टेप वाइज समझाता हूं, बाद में इसी को ही हम कैसे नॉर्मल मतलब एक ही सेकंड में कर लेंगे वो मैं समझाऊंगा। पहले तो स्टेप वाइज समझाता हूं। ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, समझना ध्यान से। इसने यहां पे 37 डिग्री एंगल बनाया। चल यहां पे इसको एमजी कहां पे लगेगा? नीचे लगेगा, ये तो आप सबको पता ही है। चलो नॉर्मल फोर्स कहां पे लगेगा? ऊपर लगेगा, वो भी आपको पता है, हाँ कि ना? एमजी नीचे लग रहा है और नॉर्मल फोर्स कहां पे लग रहा है? बोलो, सबको पता है कि नॉर्मल फोर्स कहां पे लग रहा है? ऊपर। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट इसमें? बोलो नो। अब मुझे ये बात बताओ कि ये जो 10 न्यूटन लग रहा है उसको मैं एफ नाम दे देता हूं। एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्या नाम दिया मैंने इसको? एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब अगर तू सोचना चाहे तो ऐसा सोच सकता है कि ये जो एफ लगा इसकी वजह से ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ब्लॉक में कुछ एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम सबको पता है
हम सबको पता है, क्या पता है हमको, कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब भी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ये हम सबको पता है। हाँ भाई बात बढ़िया है। अच्छा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर नीचे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी। दूसरी बात, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज की एक्सेलरेशन यही डायरेक्शन में है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे गया, तो इस फोर्स के मुझे कितने कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट। बोलो यहां पे कौन सा आएगा, एफ कॉस 37 और यहां पे एफ साइन 37। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, रियलिटी में ऐसा होता है कि ये जो आपने ड्रॉ किया ना ये फोर्स, ये 37 डिग्री पे, हाँ ये आपने फोर्स ऐसे लगाया 37 डिग्री पे, समझना ध्यान से, ये बात आप लोगों को पता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और इसको इजी कर रहा हूं, या तो भी मतलब थोड़ा जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूं। ये 37 है, ये एफ है, याद हो तो मैंने बोला था कि जब भी आप कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट लगाओ, जब भी आप कोई भी वेक्टर के क्या लगाओ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट लगाने के लिए हमको जो एक्सिस है उसको कहां पे रखना पड़ता है, वेक्टर की टेल पे रखना पड़ता है, कहां पे रखना पड़ता है वेक्टर की टेल पे। सपोज ये ए है तो ये थीटा है, तो ये क्या हुआ ए कॉस थीटा और ये क्या हुआ ए साइन थीटा, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है वो वेक्टर की टेल पे आनी चाहिए, कहां पे आनी चाहिए वेक्टर की टेल पे, तो ये दोनों टेल इकट्ठी हो, तो क्या मैं यहां पे फोर्स कंपोनेंट लगाओ कि यहां पे फोर्स कंपोनेंट लगाओ। अरे भाई हाँ के ना तो बोलो, मेरे को यहां पे एक्सिस लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि वेक्टर की टेल यहां पे है ना, हाँ तो मैंने यहां पे एक्सिस ली। अब मुझे ये बात बताओ ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। क्यों 37, क्योंकि ये यहां पे ऐसा लगा, ये ऐसा लगा और ये ऐसा, तो ये कौन सा एंगल बोले जाते हैं, ये और ये अल्टरनेट एंगल बोले जाते हैं, हाँ तो दिस इज 37 दिस इज ऑल्सो 37। तो रियलिटी में जो F लगा वो यहां पे क्या लगा, F cos 37 लगा, और यहां पे नीचे क्या लगा, नीचे क्या लगा F sin 37। एम आई राइट और रॉन्ग। तो अगर मैं देखने चाहूं तो मुझे नीचे की ओर कितने कितने फोर्स लगे, नीचे की ओर कितना फोर्स लगा, एक तो mg लगा, अरे हाँ भाई mg नीचे लगा, दूसरा कौन सा नीचे लगा मुझे, एफ साइन 37। और इस साइड राइट हैंड साइड मुझे सिर्फ कौन सा फोर्स लगा, तो क्या एक्सेलरेशन का कारण एफ कॉस 37 है कि एफ साइन 37 है, यस बस, तो ये दिमाग में बैठना चाहिए, एक्सेलरेशन का कारण कौन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, ये दिमाग में आना चाहिए, याद रखना। तो मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं, हियर ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। हाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुत्ता हमको आता है, ये क्या छोटी छोटी बातें बता रहे, लेकिन इसके बाद मैं जो करवाने वाला हूं वो इसमें वो बहुत काम लगेगा। अब मुझे ये बताओ, चलो एन ऊपर लग रहा है और नीचे कौन कौन लग रहा है, एफ साइन 37 प्लस mg। चलो एन इज इक्वल, एफ कितना है 10, साइन 37 कितना है 3/5। पक्का साइन 37 3/5 है ना, कोई गलती मत करना, मतलब मार डालूंगा मैं। पक्का सोच लो एक बार, साइन 37 3/5 पक्का,
ओके प्लस एम जी, अभी एम कितने 5 kg का था और जी सपोज कि आप 10 ले लो, कितना ले लो 10, तो ये 5 × 10 हो जाएगा। तो बोलो नॉर्मल फोर्स मेरा क्या लगा, 6 + 50 56 न्यूटन लगा कि नहीं लगा, बोलो हाँ कि ना। हाँ, अब सोच, अब ये 56 न्यूटन लगा, ये बैलेंस में है, ऊपर नीचे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये बैलेंस में है, तो ऑब्जेक्ट ना तो उड़ रहा है ना तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट बैलेंस में। अब बोल राइट हैंड साइड कितना फोर्स लगेगा, F cos 37। इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, ए जितना एक्सेलरेशन, तो बोला F cos 37 = ma होगा कि नहीं होगा, F cos 37 = ma। चलो F कितना है 10, cos 37 कितना है 4/5 = m कितना है 5 और a मुझे ढूंढना है, तो बोलो क्या होगा, 5 × 10, 4 × 8, 5 × a, बोलो a = 5/8 न्यूटन, अरे सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, 5/8 / 5। अब ये न्यूमेरिकल करने में हम लोगों ने 5 मिनट ले ली, बोलो ली कि नहीं ली, हाँ नॉर्मल न्यूमेरिकल था हमने 5 मिनट। अब उसको मतलब जब आप लोग प्रैक्टिस करने लगोगे, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब जैसे ही आपके सामने ऐसी फिगर आती है, ऐसी फिगर आती है, बस इतना लिखा हुआ है, आपके सामने ऐसी फिगर आती है तो आप क्या करोगे, समझाता हूं। देखो 10 ये क्या है, 10 ये क्या होगा, 10 cos 37, cos 37 आपको पता है क्या है, 4/5, तो आपके माइंड में ही 10 cos 37 मतलब, बोलो 10 cos 37 मतलब 4/5, तो आपके माइंड में ही, आपके माइंड में ही आ जाना चाहिए कि ये कितना हुआ 8 और ये कितना होगा, ये कितना होगा 10 sin 37, 10 sin 37 मतलब 3/5, तो ये कितना होगा 6, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई हाँ के ना तो बोलो, तुरंत ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 50 है, ये क्या है n, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये 50, ये 6, तो n 56 आ गया, 56 yes, sir। और ये आपको पता चलना चाहिए ये 8 है, ये क्या है 8 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगा और ये क्या है मास 5, तो 8/5 एक्सेलरेशन, बात खत्म, बोलो पता चला कि नहीं चला। तो वो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से मतलब कैसे, ये 4 चीज आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। जैसे ही मैं बोलू 10 बोलू और ये 37 है, तो आपके माइंड में तुरंत 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 4/5। जब भी मैं ऐसे बोलू 10 और ये साइन 37 है, तो आप अपने माइंड में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/5 से, बोलो समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। हाँ, तो ये आप लोगों को यहाँ पे जब आप गुजरात बोर्ड देखोगे या तो सीबीएसई बोर्ड देखोगे, तो आपको कंपल्सरी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री आएगा। लेकिन जब आप लोग JEE नीट के लिए जाओगे, तो वहां पे याद रखना, वहां पे वो लोग 37 डिग्री और 53 डिग्री को बहुत यूज करते, बहुत। इसलिए आपकी कहीं पे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये डिग्री है नहीं, आप कहीं पे भी न्यूमेरिकल देख लेना, ये डिग्री मिलेगी नहीं आपको, लेकिन ये आपको काम करनी। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेता हूं इसके जैसा ही। चलो एक 2 kg का ब्लॉक है, कितने केजी का ब्लॉक है ये, 2 kg। मैंने एक काम किया, ये एक 2 kg का ब्लॉक बनाया, इसके ऊपर यहां से भी फोर्स अप्लाई किया और यहां से भी फोर्स अप्लाई, बोलो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकते सर, कर सकता हूं।
यहां से जो मैंने ब्लॉक फोर्स अप्लाई किया है वो इसके साथ कितना एंगल बनाता है 37, और यहां से जो अप्लाई किया है वो कितना एंगल बनाता है 53। समझ में आ रहा है? ये 37 बना रहा है, 50 बना रहा है, और इसका न्यूटन, इसका जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है और इसका 20 न्यूटन है। तो मुझे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा, ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करते हैं इसको। चलो पहले तो क्या करोगे, 50 मतलब यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 3/5, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। 50 cos 37, cos 37 4/5, तो ये आपको 50 के साथ तुरंत क्या आ जाना चाहिए 4/5। 50 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 कितना हुआ, 40। मतलब इस डिरेक्शन में फोर्स कितना लग गया, 40 न्यूटन, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ पे 3/5, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 न्यूटन। हाँ 30। अब यहाँ पे देखो ये 20, ये 20, तो ये क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, cos 53। अच्छा यहाँ पे cos 53 कौन सी डिरेक्शन में लगेगा, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। सोच लो, अरे भाई सोच लो, cos 53 कौन सी डिरेक्शन में लगेगा, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? ये कितना 20 था ना सर। सीधी सी बात है, मैंने बोला कि यहाँ पे टेल है, टेल पे आपको एक्सिस बनानी है, तो ये 53 है तो ये भी 53, ये 53 तो ये क्या होगा cos 53 और नीचे क्या आएगा sin 53। तो सीधी सी बात है cos 53 कहाँ पे लगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो cos 53 कितना होता है सोचो, cos 53 मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, तो कितना होगा 12 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड लगा, और राइट और नीचे क्या लगा, नीचे साइन 53, साइन 53 मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 16 न्यूटन। और यहाँ पे ये नीचे क्या लगेगा, ये 2 into 10 20 लगेगा ना, और ऊपर क्या लगेगा, लगेगा नॉर्मल। बोलो कॉम्प्लिकेटेड हुआ, मेजोरिटी सबको कॉम्प्लिकेटेड लगा कि नहीं लगा अभी? अब मुझे ये बताओ, मैं वापिस से करवाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ नीचे की ओर कितने कितने फोर्सेस है। नीचे की ओर देखो, एक तो 30 है, एक 16 है और एक 20 है, हाँ कि ना। और ऊपर उन उन इन सभी सब इन सभी को बैलेंस कौन करता है ऊपर, नॉर्मल, हाँ कि ना। तो नॉर्मल इज इक्वल टू 30 + 20 + 16, बोलो कितना होगा नॉर्मल इज इक्वल टू 66 न्यूटन। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये कितना फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन, और ये कितना आ रहा है 12 न्यूटन। तो सीधी सी बात है ना, 40 न्यूटन ऐसे लग रहा है और 12 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो बोलो ऑब्जेक्ट कौन सी साइड डिस्प्लेस होगा, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? राइट साइड। और उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये 40 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स 28 और इज इक्वल टू एम ए, ये 28, एम कितना है 2a, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो आधे लोगों को ऊपर से गया ये, जिसको नहीं पता चला है वो प्रेम से बोल दे कि नहीं पता चला, मैं वापिस सिखा नहीं वाला हूँ, लेकिन मन की मन में मत रखो, फिर से आपको पता चला ही है लेकिन फिर से सिखा रहा हूँ। बोलो क्या था, ये कितना केजी था 2 केजी, इसको एक्स एक्सिस ले लो, यहाँ पे जो फोर्स आया उसने इसके साथ कितने एंगल बनाया 37, ये फोर्स कितने का था 50 न्यूटन, यहाँ से जो फोर्स आया उसने यहाँ पे एंगल कितना बनाया 53 न्यूटन, ये फोर्स कितने का था
20 न्यूटन और ये 2 केजी। ध्यान से देखो, ये 50 केजी है, देखो यहाँ पे 50 केजी है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सॉरी 50 न्यूटन है तो ये 37, तो ये भी 30, ये भी 37, तो ये क्या होगा 50 cos 37 याद रहेगा, और ये नीचे क्या जाएगा 50 sin 37। सिमिलरली ये 20 है, ये 20, ये 53 है, तो ये भी कितना होगा 53, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो 20 cos 53, और यहाँ पे क्या आएगा 20 sin 53। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और नीचे आपको पता है कि क्या लगता है mg, और ऊपर आपको पता है कि क्या लगता है नॉर्मल, बोलो ये नहीं आएगा आपको। बस अभी इसको देख लो, नीचे कौन कौन से फोर्स लगे, 50 sin 37, 20 sin 53 और mg, तो बोलो नॉर्मल फोर्स क्या आएगा, n इज इक्वल टू एम जी प्लस 50 sin 37 प्लस 20 sin 53, ये आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा। और बोलो राइट हैंड साइड कितना जा रहा है 50 cos 37, और लेफ्ट हैंड साइड कितना जा रहा है 20 cos 53, तो एम ए इज इक्वल टू 50 cos 37 में से मैंने किसको माइनस किया 20 cos 53, जो आएगा वो आपका आंसर है। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ? चलो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो यहाँ, ये बात सबकी पता चली। अब कोई मुझे ऐसा बोलता है भाई अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये याद रहना चाहिए, ये तो पूरा पक्का याद रहना चाहिए, ओके? चलो अब ध्यान से देखो, मैंने आपको पुली ब्लॉक सिस्टम करवाई कि बाकी है, बाकी है ना? हाँ सर। चलो उसके पहले एक काम करता हूँ, पुली ब्लॉक में तो इतना टाइम नहीं बचेगा, फिर भी देख लेते। चलो सपोज कि ये मेरे पास एक पुली है, ये पुली तो समझ में आता है ना आप लोगों को, यहां से वो शाफ्ट होता है वो ऐसे ऐसे घूम सकती है। इसके नीचे एक ब्लॉक लगाया जिसका मास m1 था, इसके नीचे एक दूसरा ब्लॉक लगाया जिसका मास क्या था m2। ये पुली ऐसे फिक्स्ड है, और ये रस्सी जो है, सी यहाँ पे हर एक जो पुली ब्लॉक सिस्टम होगी उसमें जो स्ट्रिंग होगी उसकी 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब 2 प्रॉपर्टी आपको कंसिडर करनी है। एक तो स्ट्रिंग है इन एक्सटेंसिबल, क्या है स्ट्रिंग, व्हाट डू मीन बाय इन एक्सटेंसिबल, और एक्सपांड नहीं हो सकता, एक्सटेंड नहीं हो सकता, स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं हो सकती, मतलब क्या, आपने बोला बहुत बढ़िया, खींचा नहीं सकता, खींचो मतलब क्या, आपने बोला बहुत बढ़िया, स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं हो सकती है, उसको आप खींच नहीं सकते हो, और मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूं, बोलो चलो, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, और स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं हो सकती, एक्सपांड नहीं हो सकती, उसको मैं खींच नहीं सकता हूं, और जो मेन चीज यहां पे है आप लोगों को सब पता है, लेकिन यहां पे आपको इस वर्ड को कौन से सेंस में देखना है, मतलब आपने आप जो सेंस में देख रहे हो वो सही है, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है और ये इनएक्सटेंसिबल है तो इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग पे आप कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करो, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आजीवन कांस्टेंट रहेगा।
समझ रहे ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ। इसके ऊपर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्ट्रिंग के कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कभी भी चेंज होगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग क्या है? इन एक्सटेंसिबल। बोलो पता चला कि नहीं चला? हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एक्सटेंसिबल, इट कैन नॉट बी एक्सपांडेड, इट कैन नॉट एक्सपांड, इट कैन नॉट स्ट्रिंग। लेकिन मेन पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन any two points on the string remains constant। बोलो ये पता चला कि नहीं चला? हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है स्ट्रिंग मासलेस। क्या है? मासलेस। क्या कोई भी स्ट्रिंग मासलेस हो सकती है? नो सर। नो, कोई भी स्ट्रिंग मासलेस नहीं हो सकती है। लेकिन हम जो भी सी हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको एनएलएम बोलते हैं, वो तो पता है ना आप लोगों को। जेडब्ल्यू के अंदर ये चैप्टर कौन से हेडिंग से लिखा जाता है? एनएलएम। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? में हम जो भी स्ट्रिंग आपके बॉडी के लिए यूज करेंगे वो सभी स्ट्रिंग को हम क्या समझेंगे? मासलेस समझेंगे। क्या समझेंगे? मासलेस। रियलिटी में ये एम वन है, ये एम टू है, जो भी है, तो स्ट्रिंग का मास अगर आप कैलकुलेशन करने जाओ तो रियलिटी में क्या होना चाहिए? एड होना चाहिए। लेकिन हम हमारे जितने भी कैलकुलेशन है या तो जो भी हम लोगों ने इक्वेशंस डिराइव किए हैं उसके अंदर हम उसको क्या समझते हैं? मासलेस समझते हैं। आगे जब मैं आपको थोड़ा सा इसका जेडब्ल्यू का पोर्शन चलाऊंगा तब मैं इसका मास कंसिडर करूंगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? मासलेस। अब ये दो पॉइंट आपको पता चले। दूसरी बात ये है कि सपोज की एक सपोर्ट है, सपोज की दूसरा सपोर्ट है, स्ट्रिंग को मैंने ऐसे खींच के बांधा हुआ है, खींच के स्ट्रिंग को मैंने क्या किया हुआ? खींच के बांधा हुआ है। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर के हर एक पार्टिकल पहली बात तो ये कि इन एक्सटेंसिबल है, मतलब हर एक पार्टिकल के बीच का पोजीशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। दूसरा मासलेस है। मासलेस है मतलब कि हमको सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट को हैंग किया उसका ही मास कंसीडर करना है, बाकी स्ट्रिंग का मास कंसीडर करना नहीं है। तो जब मैं कोई भी स्ट्रिंग को ऐसे दो ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे यहां पे खींच के बांध दिया तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है स्ट्रिंग के अंदर? एक फोर्स। एंड दैट फोर्स, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं जिसको हम टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स भी फोर्स ही है। टेंशन फोर्स का यूनिट भी न्यूटन ही है, ये भी फोर्स ही है। लेकिन ये किसके अंदर जनरेट होता है? स्ट्रिंग के अंदर। किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हा? अब ये टेंशन फोर्स कौन सी डिरेक्शन में जनरेट होगा? तो इस टेंशन फोर्स को हम ऐसे सब बताते हैं, ऐसे। इस एरो का मतलब क्या होगा? इस एरो का मतलब हम ऐसे टेंशन फोर्स बताते हैं। इस एरो का मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक पे, सपोज कि ये भी ब्लॉक है और ये भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग ने लगाया हुआ टेंशन फोर्स कितना है? टी। ऐसे हमने एरो मारा मतलब क्या हुआ? वही सपोज कि वन नंबर का ब्लॉक है और ये कितना नंबर का ब्लॉक है? टू नंबर का। तो स्ट्रिंग ने, किसने? स्ट्रिंग ने वन नंबर के ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स लगाया वो ऐसे आया, यही स्ट्रिंग ने टू नंबर के ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स लगाया वो ऐसे आया। याद रहेगा ये? अब आप सोचोगे कि भाई टेंशन फोर्स जो है वो सेम ही रहेगा पूरी स्ट्रिंग के ऊपर, अलग अलग नहीं हो सकता है?
बोलो, अलग अलग नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखना, हमने क्या एजम्पशन किया है, क्या एजम्पशन किया है हमने। सपोज कि आप कोई ऐसा बोले कि नहीं आप गलत समझा रहे हो सर, यहाँ पे टेंशन फोर्स T1 होना चाहिए और यहाँ पे टेंशन फोर्स T2, दोनों अलग अलग टेंशन होना चाहिए। अरे भाई दोनों अलग अलग टेंशन हो गए तो अगर T2 - T1 = क्या होगा, MA होगा। T2 - T1 = क्या होगा, MA। किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन। स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, T2 - T1 = M। एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, dV/dt। अरे भाई हाँ के ना तो बोलो, हाँ हाँ सर। हाँ dV/dt मतलब वेलोसिटी। क्या स्ट्रिंग के पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है? नो। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हर एक पार्टिकल के बीच का पोजीशन क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट पोजीशन है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। बोलो हाँ कि ना। और अगर स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो तो T2 - T1 = क्या हुआ, जीरो। बोलो हाँ कि ना। अगर T2 - T1 = 0 हो तो T2 = क्या हुआ, T1। मतलब कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलो माइंड में क्लियर बैठा कि नहीं बैठा। स्ट्रिंग ये सब कुछ आपकी किताब में नहीं है, आपकी किताब में डायरेक्टली दे दिया है कि TT, बात खत्म। लेकिन रीजन क्या है, अरे भाई हाँ के ना तो बोलो, हाँ, कि यहाँ पे हमने बोला है कि इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब कि पार्टिकल के बीच की पोजीशन कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो T1 T2 क्या होगा, सेम। मतलब कि अच्छा ये टेंशन फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर नीचे कहाँ पे लगेगा, ऑलवेज टेंशन फोर्स इज एक्ट अलोंग दी स्ट्रिंग। कहाँ पे लगेगा टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स अलोंग दी स्ट्रिंग लगेगा। सोचो आप, क्या ये स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स ब्लॉक को ऊपर भेजेगा, नीचे भेजेगा, वो सिर्फ या तो ऐसे लाएगा या तो ऐसे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेंशन फोर्स एक्ट ऑलवेज अलोंग दी स्ट्रिंग, कैसा लगता है, टेंशन फोर्स एक्ट ऑलवेज अलोंग दी स्ट्रिंग। ओके, तो ये बेसिक सी बातें हैं, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ी बहुत आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।